वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑफिशियल ऑरेंज फॉक्स रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 7 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है रेडमी नोट 7 और यहाँ पे आप इंडियन वर्जन में यहाँ पे दो डिवाइस अवेलेबल है जो कि रेडमी नोट 7 और यहाँ पे रेडमी नोट 7S। दोनों यहाँ पे डिवाइस में मेथड वर्क होगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो 12.0.2.0 आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। 1 दिसंबर का आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो वर्जन के ऊपर अगर आप यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी रूट करना चाहते हो तो बेशक यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना चाहते हो तो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो है बूट लोडर को अनलॉक कर लेना होगा, जो कि विदाउट बूट लोडर अनलॉक किए आप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हो जो कि ऑरेंज फॉक्स रिकवरी रूट। तो इसके कारण फर्स्ट आपको यहाँ पे बूट लोडर को अनलॉक कर लेना होगा। तो बूट लोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे चेक करना है आपके डिवाइस में बूट लोडर लॉक है अनलॉक है तो आप बेशक चेक कर सकते हो। MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना होगा। उसके बाद यहां पे आपको जाना है जो कि एडिशनल सेटिंग्स में। उसके बाद आपको यहां पे डेवलपर ऑप्शंस में जाना है जो कि यहां पे देख सकते हो OEM अनलॉकिंग, जो कि बूटलोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस के यहां पे बूटलोडर अनलॉक है। तो उसके बाद यहां पे मैं बेशक यहां पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी रूट इंस्टॉल्ड कर सकता हूं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है अपने डिवाइस को यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर लेना है, जो कि सम फाइल्स को आपको फर्स्ट कॉपी कर लेना है, जो कि यहाँ पे आपको फाइल है कॉपी करना है फाइल्स को। तो यहाँ पे मैं अपने डिवाइस को पीसी से कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पीसी में। पीसी में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल, मैजेस मैनेजर और रूट चेकर और यहाँ पे मैजेस मैनेजर APK, ये तीनों रूट के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, जो कि यहाँ पे एक लेटेस्ट और यहाँ पे ऑफिशियल रिकवरी आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चारों फाइल को आपको कॉपी कर लेना है जो कि अपने इंटरनल स्टोरेज में, तो कॉपी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कि कॉपी होने के बाद आपको यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू करना है। उसके बाद एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को भी एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि इसका भी आपको फोल्डर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल को ओपन करना है, इसके अंदर और एक फोल्डर है इसको भी यहाँ पे ओपन करना है। और यहाँ पे जो फाइल का पाथ रहता है इसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है जो कि फास्टबूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे पीसी से कनेक्टेड है नहीं है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्टबूट डिवाइसेस टाइप करना होगा, जो कि यहाँ पे मेरा डिवाइस अभी फास्टबूट मोड में नहीं है तो भी यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है तो अभी मैं मेरे डिवाइस को फास्टबूट मोड में बूट करता हूँ। तो फास्टबूट मोड में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद जो है आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्टबूट मोड में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से टाइप कर चुका हूँ फास्ट बूट डिवाइसेस। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो एक रैंडम नंबर। उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब मेरा डिवाइस यहाँ पे फास्ट बूट से कनेक्टेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है जो कि फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, देख सकते हो स्पेलिंग फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस। उसके बाद जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का फोल्डर है उसको यहाँ पे ओपन करना है, इसके अंदर आपको एक रिकवरी देखने को मिल जाएगा, वो रिकवरी को ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, जो कि देख सकते हो रिकवरी फ्लैश हो चुका है और यहाँ पे ही पीसी का जो वक्त है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइस को पीसी से, तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है डिवाइस में, तो यहाँ पे पावर और यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है और वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है जो कि वॉल्यूम अप बटन को। तो देख सकते हो डिवाइस आ चुका है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में, जो कि एक लेटेस्ट और यहाँ पे ऑफिशियल आपको यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे सिंपल वेट कर लेना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे बूट हो चुका है। तो सभी फाइल्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है, तो फर्स्ट यहाँ पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को फ्लैश करना है, जो कि फ्लैश होने के बाद ऑटोमेटिकली एक बार रिबूट होगा, जो कि यहाँ पे फ्लैश होने के बाद ऑटोमेटिकली एक बार रिबूट होता है। तो रिबूट होने तक आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस रिबूट हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। देख सकते हो फिर से आ चुका है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप, जो कि 21.4 जिप को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड होने तक वेट कर लेना होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और यहाँ पे मेथड में जो है आपका डेटा इरेज नहीं होगा, जैसे कि आपका डेटा बहुत ही ज्यादा सेफ रहेगा इस मेथड में यहाँ पे डेटा इरेज नहीं होगा, जो कि यहाँ पे विदाउट डेटा लॉस के यहाँ पे आप ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और रूट इंस्टॉल्ड कर सकते हो। लेकिन आपके यहाँ पे यही वर्षन का आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी लेना होगा। अगर आप यहाँ पे दूसरा वर्षन का ट्राई करोगे यहाँ पे आपका डेटा इरेज हो सकता है, तो आपको यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वही आपको यहाँ पे यूज कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो MIUI का लोगो आ चुका है और यहां पे आपका डिवाइस बूट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहां पे थोड़ा टाइम वेट कर लेना है, जो कि यहां पे मैजिस मैनेजर एपीके ऑटोमेटिकली यहां पे इंस्टॉल्ड होगा, जो कि वो मैजिस मैनेजर जिप इंस्टॉल करते टाइम पे यहां पे ऑटोमेटिकली यहां पे मैजिस मैनेजर एपीके भी यहां पे इंस्टॉल्ड हो जाता है। तो सिर्फ आपको यहां पे इंस्टॉल्ड जो कि देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो आपको सिर्फ यहां पे एक वेट कर लेना है जो कि 15-20 सेकंड तक यहां पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद आपको यहां पे रूट चेकर को इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि अगर आप यहां पे रूट को चेक करना चाहते हो तो रूट चेकर को आपको यहां पे इंस्टॉल कर लेना होगा, जो कि यहां पे देख सकते हो रूट चेकर। तो रूट चेकर से यहां पे आप रूट को चेक कर सकते हो आपके डिवाइस में यहां पे रूट है कि नहीं है, अगर आप चेक करना है तो यहां पे रूट चेकर से चेक कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पे इंस्टॉल्ड हो चुका है, ओपन करना है, अग्री, गेट स्टार्टेड, वेरीफाई रूट, यहाँ पे आपको परमिशन ग्रांट कर देना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो रूट जो है यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है, जो कि आपके डिवाइस में एंड्रॉयड 10 और यहाँ पे रेडमी नोट 7। तो उसके बाद अगर आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में जाना है तो पावर प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक ही बार प्रेस एंड होल्ड करना है और आपका डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है, जो कि वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में। तो यहाँ पे बेशक ये बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर मेथड है, जो कि यहाँ पे इजी मेथड है, जो कि यहाँ पे इजी मेथड से आप अपने डिवाइस में ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और रूट इंस्टॉल्ड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेफ है, जो कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करके आपके लिए वीडियोस बना के बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि रेडमी नोट 7 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।